यदि आप सोच रहे हैं लघु उद्योग स्टार्ट करने की, तो मैं आ गया हूँ सीधा लेके आपको मैन्युफैक्चरर के पास, जो तैयार करते हैं ढेरों सारी मशीनें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं काफ़ी सारी मशीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और अगर आप कम पैसे में सोच रहे हैं अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना, तो मेरे ख्याल से बेस्ट वीडियो होने वाली है। आज हमारे साथ में फरीद जी हैं, तो जानते हैं किस तरह नाम से कंपनी है इनकी, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थोड़ा सा बताएं अपनी कंपनी के बारे में। किस नाम से? कंपनी का नाम है MR इंजीनियर नोएडा सेक्टर 10 C63। सर काफ़ी सारी मशीनें आपके पास बनती हैं, तो कौन कौन सी मेन मशीनें हैं जो हैं आपके पास? हमारे पास चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, मसाला, हर एक तरह की मशीनें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आज लाइव। क्या बात है, तो लाइव आज वीडियो में दिखने वाली हैं काफ़ी सारी मशीनें। बाकी आपको अपने हिसाब से अगर बनवाना हो, कस्टमाइज़ करवाना हो, तो भी आप इनसे बनवा सकते हैं जी। तो ऐसे सर मशीन जो अगर बात करें, कम से कम कितने से शुरू हो जाती है? कम से कम 18,000 से ले जाइए। मात्र 18,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये भी हैं तो अब आप एक प्लांट लगाने की सोच सकते हैं जी। तो चलिए फटाफट से हम दिखाते हैं आपको किस किस तरह की मशीनें हैं और जानेंगे इस मशीन के बारे में। तो MR इंजीनियरिंग में सर सब कुछ मिलता है आपके यहाँ पे जी। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको किस किस तरह की यहाँ पे मशीनें वगैरह होती हैं। ये देखिए, ये प्लांट है पूरा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये मशीन डिस्पैच हो रही है जैसा आप देख सकते हैं। ओके ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से पैक होके प्रॉपर तरीके से जाता है। ये है आपका एयर ड्रायर, अगर पैकेट में हवा भरना हो, कंप्रेसर का हवा को ये प्यूरिफाई करके आपके पैकेट में भर देता है, इसको एयर ड्रायर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से सेफ तरीके से पार्सल जाता है यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये आपका मल्ली मशीन, अगर नमकीन बनाना है उसका जो बेसन होता है उसको मिलाने के लिए ये आती है, इसको बोलते हैं मल्ली मशीन। ये देखिए ये मशीन है, और इसमें जो है मिक्सर मिक्स करने के लिए जी, काम जी, आता है। आटा हो गया, बेसन हो गया, उसको गूंदने के लिए जो हाथ से लोग गूंदते हैं वो हाथ से ना गूंद के मशीन से गूंद सकते हैं। क्या बात है, देख रहे हैं ये वो मशीन है, ये पूरी स्टील में है जैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आता है हाइड्रो मशीन, जिसमें कि आपका तेल पानी जो भी होता है ड्राई करने वाले, इसको ड्रायर मशीन भी बोलते हैं। ओके ओके, चिप्स में, नमकीन में, हर चीज़ में ये काम आता है। तेल ड्राई करना हुआ, पानी ड्राई करना हुआ, सारी चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है ठीक है, ये होता है नमकीन मेकिंग मशीन। इसके साथ 10 जाली मिलता है, ये नमकीन बनाने वाली मशीन है। 10 तरह का आइटम बना देगा? हाँ, 10 तरह की जाली, गाठिया, पापड़ी, भुजिया, जितने भी तरह का होता है सारे तरह का बनता है। ठीक है ठीक है, अब आते हैं, ये है बैच फ्रायर। अगर हम नमकीन बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, तो लोग पूछेंगे फ्राई किस में करेंगे, तो इसमें आप फ्राई कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं उठा के। ये देखिए, ये देखिए फ्राई होने के बाद यहाँ से सिंपली ये ड्रॉप कर जाएगा। ओके ओके, यहाँ हीटर लगा हुआ है, जितने का भी आपको टेम्परेचर वगैरह चाहिए उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें तेल गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक फ्राई करके निकाल जाइएगा जी। तो ये पूरा का पूरा देख रहे हैं फ्रायर है, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि लोग फास्ट फूड बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह की मशीन है। ये भी हाइड्रो मशीन है, ड्रायर मशीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, इसमें भी ड्रायर होता है, ड्रायर होता है, बनाया इसमें। हाँ, इसमें जाली लगे होते हैं, इसमें माल डाल दीजिएगा, ये चला के घूमेगा, घूमने के बाद इसमें जो भी आइटम है ऑयल वगैरह सारे सब यहाँ से बाहर बाहर कर देगा, आउट कर देगा। ओके ओके ओके, अब आते हैं आपको लेके हम सबसे अहम मशीन, ये है चिप्स बनाने वाली मशीन, जिसको बोलते हैं स्लाइसर, पोटैटो स्लाइसर। स्लाइसर भी है यहाँ पे, पोटैटो स्लाइसर। स्लाइसर जी, इसमें आप तीन तरह के जाली आपके लगते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, दिखाते हैं हम आपको जाली। ओके, ये लाइनिंग वाला हो गया, ठीक है, उसमें सिंपल लगा है, इसमें तीन तरह की हम जाली आपको देते हैं। ये देखिए, ये मोटा वाला हो गया, ये बारीक वाला हो गया, और इसमें होता है प्लेन वाला। ओके, लगा हुआ भी है। हाँ, तीन तरह की जाली, इसे भी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, इसे इसे और ये तीनों मशीनों को मैं चला के आपको दिखाऊंगा। क्या बात, इसको लाइव डेमो आपको मिलने वाली है इस मशीन की। ये होता है अब आलू छिलने वाली मशीन, जिसे हम पिलर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 25 किलो कैपेसिटी होती है, 25 किलो एक बार में आलू ये आपका छिल के निकालता है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, इसके अंदर आलू डालते हैं, डालने के बाद ये खुद छिल 25 किलो जो है वन बैच में ये निकालता है, निकाल देगा। और ये ठीक है, ये भी पूरी स्टील की मशीन है, हमारे पास जितने खाने के मटेरियल होती है वो स्टील की होती है, पूरा स्टेनलेस स्टील। अब आते हैं सबसे छोटा और अहम चीज़, ये है मसाला पीसने वाला मशीन, जिसे अगर मसाले का भी कारोबार करना है वो आराम से ये छोटी मशीन लेके अपना मसाले का कारोबार कर सकता है। वाह, मसाला पीसने वाला है, देख सकते हैं। तो मसाला पीसने वाला है, तो सर पैकिंग के लिए भी जुगाड़ रखा है आपने? जी, पैकिंग के भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं इसमें मसाला की आप पिसाई कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी मशीन है ये। जी जी, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको इस तरफ, जो है पूरा ये यूनिट है इनका, जो मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। अभी ये मशीन भी मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपका मसाला मिक्सर मशीन, जो कि रेडी हो रहा है ये वाला जी। जैसे चिप्स में मसाला मिलाना हो गया, कुरकुरे में मिलाना हो गया, पफ में मिलाना हो गया, जो भी मसाला मिलाना हुआ जी वो इसमें आप मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे हांडा बोलते हैं, मसाला मिक्सर बोलते हैं।
आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा हमने दिखाया आपको कि मसाला बना भी सकते हैं आप, पीस सकते हैं, साथ साथ में जो है आपको पैकिंग की भी व्यवस्था है उसकी। तो ये सारी मशीनें लगी हुई हैं सर पैकिंग की? जी, ये सारी मशीनें पैकिंग की लगी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं एक दो नहीं कई सारी मशीनें हैं, और ये मैन्युफैक्चरर हैं तो मशीन बनता है और जाता है यहाँ से। मशीन भी मिलता है, स्पेयर पार्ट सब कुछ मिलता है यहाँ। इसके पार्ट पुर्जे भी मिलते हैं? पार्ट पुर्जे भी, सब कुछ ए टू जेड। ओके, तो ये मशीन की बात करें सर थोड़ा सा, इसके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये है आपका 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक की मशीन। इसमें आप नमकीन पैक करें, कुरकुरे पैक करें, ओएस पैक करें, मसाला पैक, कोई भी चीज़ आप इसमें पैक, कोई भी ड्राई आइटम पैक, कुछ भी पैक करते हैं। लिक्विड आइटम छोड़ के ड्राई आइटम कुछ भी पैक करते हैं। लिक्विड आइटम के भी हमारे पास मशीनें बनती हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं ये मशीन है और बहुत ही कम स्पेस में आप लगा सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो क्या प्रोडक्शन वगैरह देती है सर? इसकी स्पीड घंटे का 1500 पाउच होता है कम से कम। एक घंटे में 1500 पाउच? जी कम से कम बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता हूँ। लोग ऐसे बोलने का बोलते थे 2000-2500, मैं कम लेके चलता हूँ, उससे ज़्यादा ही निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा ये। ओके, इसकी मेरी गारंटी है। इसमें जितने का चाहिए उतने का लरी भी बना सकते हैं, 5 का 10 का जितने का चाहिए उतने का लरी काट के। इसे भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा सर। क्या बात है। तो ये मशीन जो है सर क्या फुल्ली ऑटोमेटिक है? फुल्ली ऑटोमेटिक है, माल डाल दीजिए अपने आप पैक करके निकाले, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक मशीन है ये जो अभी हम आपको चला के दिखाएंगे, और इसमें सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं जो भी ड्राई आइटम है लगभग। तो नॉर्मल बिजली पे चलता है या नॉर्मल? इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आप घर की बिजली से अपने घर बिजली। क्या बात है, क्या बात है। 220 वोल्ट अपना घर के घर में लगाइए, आराम से पैक करिए। एक छोटा मशीन लीजिए और पैकिंग का मशीन लीजिए। मेरे यहाँ कोई सी मशीन आप उठाइएगा मैं घर के बिजली से बनाता हूँ, कि आपको इन फेस दिक्कत ना करना पड़े, कि अपने घर में लगाइए और चालू करिए मशीन सीधी। ग्रेट, अमेजिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं सारी सर, ये सारी भी उसी तरह सारी उसी। ये आपकी मशीन एक ऐसी है जो 10 ग्राम से लेकर 1 किलो तक कुछ भी पैक करेगा, कुछ भी 1 किलो तक पैक, 1 किलो तक कुछ भी पैक करेगा 10 ग्राम से लेके। इसमें आप कुछ भी पैक कर दीजिए, आटा, चावल, गेहूं, नमकीन, यानी ड्राई आइटम में कुछ भी, कुछ भी इसमें ये चिप्स भी आपका पैक करेगा जी। ये बड़ी से बड़ी मशीन है पैकिंग की यहाँ पे है। हाँ। और सारी तैयार होते रहती हैं। आगे वाला जो मशीन है वो भी। हाँ। पैकिंग का ही है? ये भी पैकिंग का है। ये सबसे, ये भी जो आपका, ये भी ऑटोमेटिक है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल मशीन। काफी छोटी मशीन है ये। हाँ, ये है मैकेनिकल मशीन, ये देखिए इस तरह की मशीनें हैं। तो कुल मिला के पैकिंग की भी पूरी मशीनें मिल रही है, बाकी लघु उद्योग से जुड़ी हुई सारी मशीनें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बताएं थोड़ा सा ये मशीन चलता कैसे है, कैसे काम करता है? तो देख सकते हैं किस तरह से तैयार होती है यहाँ पे, इस तरह से आप भी प्लांट लगा के और पैकिंग कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी यहाँ पे मशीनें हैं, और हर एक मशीन में जो है आप अलग अलग आइटम को पैक कर सकते हैं, छोटे बड़े हर तरह के आइटम। और ये देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पे तैयार हो रही है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पोटैटो आ गई है, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसकी पिलिंग होती है, कैसे इससे आप बना सकते हैं ढेरों सारे चिप्स वगैरह। तो आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो देख रहे हैं ये जो है आलू अब इसमें डलेगा। ये मशीन रेडी हो गई है सर? जी मशीन रेडी, आपको आलू छील के दिखाते हैं हम। ये देखिए इसमें आलू डाल रहे हैं और दिखाते हैं आपको कैसे आलू। तो ये देखिए आलू जो है बिल्कुल छिलके जो है रेडी हो गया है, और इससे बनने जा रहा है स्लाइसर। तो इस तरह से मिनटों में आप जो है आलू को छिल सकते हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। ये रही वो मशीन जिससे तैयार होने वाला है। ये देखिए ये मशीन चालू हो गई, और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बनना शुरू हो गया है स्लाइसर। ये देखिए कुछ इस तरह से बनता है पोटैटो स्लाइसर। वाओ, काफ़ी अच्छे मात्रा में क्वांटिटी में जो है सर चिप्स तैयार कर सकते हैं, और आप पैकिंग करके इसका बिजनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे। ये देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने में। और इसमें आपके साथ में आपको डाइयां अलग अलग मिलेगी। सर मशीनें तो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं आपके पास में, जैसे मशीन ले लेता है सर तो क्या गारंटी वारंटी क्या होती है इसकी? मशीन की 1 साल की मैकेनिकल गारंटी होती है, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट लोग मशीन बेचने का भेज देते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड बहुत जगह नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, मेरे पास आप मशीन ले जाइए और बंदे से खास जो ऑपरेटर है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड भेजने के बाद आप संतुष्ट होकर टिकट कराइए, उसको बुलाइए, 2 दिन रखिए। सबसे पहले मैं 2 दिन का सर्विस फ्री देता हूँ। ओके ओके, हाँ मेरी 2 दिन की सर्विस फ्री है। 2 दिन में बंदा आपके पास रहेगा, चलाएगा, सिखाएगा, उसके बाद ही वो आपके पास से आएगा, जब तक आप पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मैं बहुत सारा दिखा सकता हूँ, हमारे पास है, ठीक है।
वो मैं आपको बता सकता हूँ। कितने टाइम से है सर आपका ये काम, कितना पुराना? 2006 से। 2006 से जी, यानी काफी सारे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करा दिया बहुत सारे। या मेरी मशीन इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया हमेशा मेरी डिलीवरी होती रहती है। आउट ऑफ कंट्री भी जा चुकी है हमारी मशीनें। ओके ओके, तो जैसे बात करें सर पैकिंग वाली मशीन जो है वो मिनिमम कितने से स्टार्ट है आपके पास? वो 18,000 से मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। ओनली 18,000? ओनली 18,000। इसके अलावा जो भी मशीनें चाहिए वो सारी अवेलेबल है? सारी अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी के टाइम में अगर देखें सर, तो ये पैकिंग बिजनेस का कितना स्कोप है मार्केट में अभी? जिसको भी, जब कोई भी सबसे ज़्यादा अपना पैकिंग खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है, ठीक है, आपको अगर बोलिएगा, इनकेस मुझसे पूछिएगा रॉ मटेरियल से लेकर पेपर तक हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक आपको कहीं नहीं जाना, आप मेरे पास आइएगा, A to Z मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। बिल्कुल, मैं पूछने ही वाला था सर कि रॉ मटेरियल भी आप प्रोवाइड करा देते हैं? सारा चीज़। तो बस आपको मशीन भी लेनी है यहीं पे मिल जाएगी, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो यानी बोल सकते हैं बस एक जगह पे आपको आना है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, क्या लोकेशन होगा, कैसे आए आपके यहाँ तक कोई? अगर आपको आना है, आप किसी भी जगह से आ रहे, दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, किसी भी रेलवे स्टेशन उतरिए, लिंक में मेरा नंबर दिया रहेगा, वीडियो पे मेरा नंबर, उस पर आप कॉल करिए। बाकी का जो डायरेक्शन है, मेट्रो से आप आ सकते हैं, कैब से आ सकते हैं, वो आपको मेट्रो से आने के लिए नोएडा सेक्टर 16 उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर आप मुझे कॉल करिएगा, तो वहाँ मेरा बंदा जाके पिकअप आपको करके खुद लेके आ जाएगा हमारी फैक्ट्री में आपको। ग्रेट, अमेजिंग। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं सर। ट्रांसपोर्ट वगैरह की क्या है और पेमेंट का थोड़ा सा बता दें? देखिए, आपको मशीन बुक करने के समय कोई सा भी अपने हिसाब से टोकन मनी आप डाल दीजिए, 5,000, 10,000। बाकी जब मशीन डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के टाइम जो भी अमाउंट ड्यू रहता है आपके पास, बिल वगैरह पहुँचने के बाद जो बचा रहता है, बिल्टी वगैरह पहुँचे, फिर आपका जो अमाउंट रहेगा हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कुल मिला के बोले तो कैश ऑन डिलीवरी जैसा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत कम जगह पर मिलता है, बट भैया ने यहाँ पर आपको दिया है कि आपका जो है ट्रस्ट आप बना रहे कुल मिला के, तो आप मिनिमम अमाउंट देके आप बुक करा सकते हैं। जी, मिनिमम अमाउंट देके आप बुक कराइए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है कितने दिन में यहाँ से हो जाती है आपकी? जैसे आपको पेमेंट करता है तो कब तक माल जाएगा? हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं मशीन डिलीवर कर देता हूँ। तो मशीन रेडी भी होते हैं सर या बना के बनाते हैं? मेरे पास रेडी भी रहते हैं, आप आइए। अगर आपको लगता है कि मुझे हैंड टू हैंड मशीन आगे उठाना है, तो आप आइए हमारे पास, हैंड टू हैंड मशीन उठा के अपने सेटिस्फाइड के हिसाब से लेके जाइए। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, अपने सामने चलाइए, अपने सामने हर चीज़ करा के खुद चले जाइए। ओके, रेडी भी होते हैं आप? रेडी होते हैं हमारे पास सारे मशीनें। ग्रेट, अमेजिंग। कोई पार्ट पुर्जा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए सर तो मिल जाती है? सारी A to Z इस पर जो मशीन मैं बनाता हूँ उसका A to Z पार्ट्स आपको अवेलेबल हमारे पास मिलेगा। ओके, तो कंप्लीट समाधान है कुल मिला के यहाँ पे? सारी चीज़ें हमने बताई है आपको, बाकी स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।